हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया ही होंगे। आज आप और एक नई रेसिपी के साथ, एक बहुत ही प्यारा जो अपना स्टार्टर होता है। आपने भाइयों की डिमांड थी कि भाई कुछ वेज में कुछ स्टार्टर बनाओ जो चिल्ली पनीर से हटके हो, या हरा भरा कबाब, ऐसे थोड़ा अलग लगे, देखने में भी अच्छा लगे। तो एक बंदा बोला, भाई यार हमें तो बस क्या बोलते अपना वेज लॉलीपॉप की जो होटल स्टाइल में रेसिपी हमको बना के बता दो, जो कि हम लोग घर में भी बना सकें, या घर में मतलब बना के खा सकें फैमिली के साथ। तो मैंने बोला चलो ठीक है, दो तीन भाइयों की इच्छा थी तो मैंने बोला चलो अपन आज वेज लॉलीपॉप ही बना लेते हैं, जो कि सभी को पसंद आता है। बाकी इसमें कोई वो नहीं है, बहुत ही प्यारा लगता है। आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने क्या बोलते फूल गोभी लिया हूँ, फूल गोभी को ग्रेट कर लिया हूँ उसमें, और गाजर ग्रेट करा हूँ। हम देख रहे हैं बिल्कुल फाइन, मतलब काट भी सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो ऐसे ग्रेट किया मैं, उसके बाद उसमें बीन्स भी डाला हूँ मैंने, बीन्स जो बिल्कुल फाइन बारीक चाप काटा हूँ। और इसमें अपन ने थोड़ा सा क्या बोलते हैं शिमला मिर्च जो है ना, शिमला मिर्च भी बारीक फाइन चॉप करके लिया है। तीनों चीज़ों को उसमें मिक्स किया, आप देख सकते हैं कितना बारीक ग्रेट कर लिया। अभी आप बारीक काट सकते हैं तो बारीक भी अच्छा है, काट पाओगे तो कोई टेंशन ही नहीं। बाकी यदि आपको नहीं काटना है तो ग्रेट कर सकते हैं। क्या आप देख सकते हैं कितने फाइन बारीक चॉप मैंने बीन्स काटा था, क्योंकि इसको चॉप ने वो क्या बोलते ग्रेट नहीं कर सकते थे, इसलिए अपन ने फाइन काट लिया था, कोई टेंशन नहीं। और बाकी शिमला भी मैंने काटा हूँ, देख सकते हैं आप। तो और आप बने रहे मेरे ये वीडियो में, आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। और इसमें हाँ, इसमें मेन चीज़ है इसकी जो ग्रेवी वाला बनाते हैं कुछ लोग सॉस में खाते हैं, मगर अपन इसको आज एक अलग स्टाइल में बनाएंगे, जो कि खाने में अलग ही मज़ा आएगा। तो बने रहे मेरे वीडियो में, आप सारी चीज़ें बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है? देख सकते हैं आप, मैंने ये तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया इसमें। देखो आप देख सकते हैं शिमला भी है, और इसमें हाँ अपन ने इसमें हल्का सा एक चीज़ और मिक्स किया है, जो कि आप वीडियो में बने रहें तो देखने को मिलेगा आगे चल के। इसमें क्या है, अपन ने हल्का सा पहले नमक अमक डाला है इसमें, नमक डाल के हल्का सा इसको मसला है हाथों से, मतलब ताकि इसका जो पानी जो रहता है, जो रहता है मॉइस्चर वो निकल जाए, जिससे कि ये गीला ना हो। इसलिए इसमें हल्का सा नमक डाल के इसको अपन अच्छे से मिला के मिक्स करके हाथों से पूरा इसके निकाल दिए। इससे क्या होगा कि ये जो अपना वेज लॉलीपॉप है ये गीला नहीं होगा। आप देख सकते हैं पूरा इसका मैंने वो पानी जो है कि मतलब कपड़े में रख के भी इसको निचा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आप हाथ से भी इसको कर को देख सकते हैं, निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। और अदरक लहसुन आप देख सकते हैं बारीक फाइन चॉप है, या तो आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट है तो वो भी ऐड कर सकते हैं आप लोग, ऐसे कुछ नहीं। हरी मिर्च फाइन चॉप रहेगा, तीनों चीज़ अपना रहेगा, कोई टेंशन नहीं। ये अपना हरी धनिया आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा हरा है, इसको फाइन चॉप करके आप मिला सकते हैं। बाकी इसमें सॉल्ट डाल दो स्वाद अनुसार, और अपने क्या बोलते ब्लैक पेपर स्वाद अनुसार, एरोमेट पाउडर जो होता है अपना, एरोमेट जो होता है ना, तो एरोमेट पाउडर भी स्वाद अनुसार डालना है। और आज आपके पास यदि सेजवान सॉस है तो आप वो ऐड कर सकते हैं, इसमें नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। मैं इसमें थोड़ा सा आप देख सकते हैं 100 ग्राम करीब इसमें पनीर भी मैंने ऐड किया हूँ, इससे क्या बहुत ही उससे क्या बहुत ही प्यारा लगेगा ये। कोई टेंशन, इसमें हल्का सा अपन बॉयल पोटैटो मिला सकते थे, मगर मिलाया नहीं अपन ने, मिला सकते हैं कोई वो नहीं है। इसमें अपन ने मतलब 4 4 स्पून इसमें अपन कॉर्नफ्लोर और मैदा ऐड किया है इसकी ग्रेपिंग के लिए, जिससे ये एक दूसरे को पकड़ के रखेगा और मतलब बगरेगा नहीं। ये ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालना है इसको, नहीं तो ये सब मैदा और कॉर्नफ्लोर ये मुंह में लगेगा तो खाने में इतना अच्छा नहीं लगेगा। वो तो कम ही कम डालना है, दोनों की मात्रा बराबर होना चाहिए जिससे इसका बैलेंस बना रहेगा। नहीं तो क्या यदि मैदा ज़्यादा हो जाएगा तो मुँह में आएगा, या कॉर्नफ्लोर ज़्यादा हो जाएगा तो दोनों को सेम क्वान्टिटी में डालना है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि अच्छे से मिलाने के पश्चात इसको मतलब आप जो आइसक्रीम वाली जो स्टिक होती है, आइसक्रीम के स्टिक में इसको अच्छे से लगाना है आगे की तरफ। और उसको लगाने के पश्चात आप देख सकते हैं ऑयल स्लो आँच में डालना है, तेज में नहीं डालना, नहीं तो ये क्या है बेज जो है ना कच्चा रह जाएगा और खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो स्लो आँच में इसको पकाना है 2 से 3 मिनट, बिल्कुल स्लोली स्लोली आँच में, कोई इससे तेज नहीं करना, इससे क्या है कि ऊपर काला पन आ जाएगा और अंदर अपना बेज पक नहीं पाएगा, ठीक है? तो इसको धीरे धीरे पूरे पकौड़े एक साथ डालना है, इसके जो पीसेस रहेंगे लेग पीस, उसके बाद इसको स्लो स्लो आप देख सकते हैं कितने गोल्डन दिख रहे हैं प्यारे। यदि आपको तेज़ में डालोगे तो वो जल जाएगा, ठीक है? और उसकी जो ग्रेवी है दोस्तों, ग्रेवी बनाना बहुत आसान है, वीडियो में एंड तक बने रहें आप देख सकते हैं कि ग्रेवी बनाना बहुत आसान है।
गार्लिक जिंजर रहेगा, आप देख सकते हो थोड़ा सा ऑयल लेना है उसमें, गार्लिक जिंजर रहेगा, थोड़ी सी आप ग्रीन चिल्ली चॉप भी डाल सकते हैं और ऑनियन भी थोड़ा चॉप करके डाल सकते हैं, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा नहीं डाल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं सेजवन चटनी या सॉस हो आपके पास तो हल्का सा ऐड करना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ग्रीन चिल्ली सॉस डालना है थोड़ा सा स्वाद अनुसार, सोया सॉस और बाकी रेड चिल्ली सॉस तो डाल सकते हैं, टमाटर सॉस ऐड करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं टमाटर सॉस करने के सॉस ऐड करने के बाद इसमें सॉल्ट डालना है, एरोमेट डालना है, ब्लैक पेपर डालना है, स्वाद अनुसार ज़्यादा नहीं डालना है। इसमें फूड कलर आप चाहो तो हल्का सा ऐड कर सकते हैं जिससे कि और ही प्यारा लगेगा। ये कॉर्नफ्लोर का हल्का इसको घोल थोड़ा डालना ताकि इसकी ग्रेवी थिक हो जाए, हल्की सी गाढ़ी हो जाए। उसके लिए आप देख सकते हैं कि इसकी जो ग्रेवी है एकदम सेमी ग्रेवी हो गई है, बिल्कुल देख सकते हैं। यदि कॉर्नफ्लोर नहीं डालते तो ये बिल्कुल पतला रहता है, उससे क्या होता है ये जो है ना इसमें ऐड नहीं होता और ये अपने जो पीसेस हैं ये अलग अलग हो जाता है पानी में जैसे रहता ना, तो सारे चीज़ें को मतलब देख सकते हैं स्मूथली मिलाए है। नहीं तो ये क्या जम से चलाओगे तो टूट जाएंगे, ऐसा कुछ है ना। देख सकते हैं दोस्तों अपना जो वेज लॉलीपॉप रेडी हो चुका है और इतना सब कुछ अपन ने कर दी है मेहनत आप लोगों के लिए, आपके बोले हुए चीज़ पर अपन ने चीज़ को बना दिया है, तो बस थोड़ा सपोर्ट बनाए रखना अपने साथ भाइयों। बाकी ऐसे आप जो बोलेंगे अपन रेडी कर देंगे, आपके लिए कोई रेसिपी बड़ी बात नहीं है, बस आप ही लोगों के लिए तो है सब कुछ। आप देख सकते हैं कि वेज लॉलीपॉप रेडी हो गए अपना ग्रेवी में, हालांकि आप इसमें यदि ड्राई भी रख सकते हैं इसको और इसका एक सॉस बना के उससे आप टच करके भी जो है डिप करके खा सकते हैं, मगर कुछ में थोड़ा कि सब लोग वैसे ही बनाते हैं कुछ अलग टाइप में हो जिससे कि सब झंझट ना हो, सब एक ही साथ सब मिला हो और बस खाओ, कोई टेंशन नहीं। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, सेमी ग्रेवी के साथ है ज़्यादा मतलब।